बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जाऊंगी। ये मुझको ट्विटर पे किसी ने मुझे भेजा, मुझे टैग करके, और इस मूवी का एक्चुअली नाम, ये नई मूवी आने वाली है और ये अशोक पंडित की मूवी आई बिलीव, और इसका नाम है 72 हूरे, मतलब के 72 हूरे। और मैं वहां बैठ के ना सर खुजा रही थी, मैंने कहा यार ये मूवी कैसे आ सकती है, कैसे बन सकती है, 72 हूरे बन कैसे सकती है जब हूरों की सरदार मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं मूवी में नहीं हूँ, तो आप मूवी कैसे बनाएंगे। तो मैंने नीचे जाकर वहां उनको ट्विटर पे लिखा था कि आप देखिए आप 71 हूरे कर लें, क्योंकि जब तक आप मुझको कास्ट नहीं करेंगे इस मूवी में तो ये 72 हूरे जो है वो बन नहीं सकती है। दूसरी बात ये कि मेरे यार इतने इंडिया के फैन है और सब लोग, आप लोग कहते रहते हो मालिक बॉलीवुड आ जाओ बॉलीवुड आ जाओ, यार बॉलीवुड को तो आप लोग वैसे ही बायकॉट कर लेते हो, तो मैं बॉलीवुड में अगर आ भी गई तो मेरी मूवीज आप लोग देखोगे नहीं, फिर आप मेरे ये कैंसिल हो जाओगे। नहीं, अब आपने क्या करना है कि मेरे जो क्लिप्स हैं और मेरी जो एक्टिंग की कलाकारी जो है, इतनी अदाकारी जो मैं दिखाती हूँ आपको हर वक्त, उसको आपने इन लोगों के साथ शेयर करना है, ऐसे लोगों के साथ, यू नो, जैसे अशोक पंडित हैं, वो विवेक अग्निहोत्री, ये लोग जैसी मूवीज जो बना रहे हैं ना, वो मूवीज मुझे ज्यादा इंटरेस्ट करती है क्योंकि वो रियल इवेंट्स में है, राइट। तो आई रियली लाइक टू बी इन अ मूवी जिसके पीछे कोई मीनिंग हो। आई मीन ठुमके लगाना, आइटम सॉन्ग करना, छिछोरी हरकतें करना, यू नो, बाहों में गोल गोल घूमना, आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टफ। हाँ, कोई मीनिंगफुल चीज होगी, कोई अच्छा किरदार हो ना, तो ऑफकोर्स महलीज इज हियर। तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना, आप लोग फेमस करते हो सबको, मेरी भी चीजें फेमस करो ना, जरा वायरल करो ना मेरे को, ठीक है। एनी हाउ, चले विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मैं बड़े खुदक रही हूँ, मैंने अभी तक जो है इसका ट्रेलर देखा नहीं है। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना यार, शेयर करना। तो ये वीडियो जो है ना अशोक पंडित जी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जब वो आगे कोई मूवी बनाए ना तो मुझको वो जरूर रखें अपने दिमाग में। देखो मैं वैसे कितनी खूबसूरत हूँ। ओके, वीडियो देखते हैं। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। मोटाना, तुम्हारी अनछुई हुए तुम्हारी होंगे, तुम्हारी हमेशा के लिए। So guys, ये मूवी का ट्रेलर था, वेरी शॉर्ट ट्रेलर। सॉरी मेरी एंड में हंसी इस वजह से निकल गई, वो कहते हैं ऑल फॉर 72 हूरे, यानी वाकई में कॉमेडी की चीज है कि ऐसे लोगों को आप मार रहे हो, खप रहे हो, एक आइडियोलॉजी को पीछे आप लोग फट रहे हो, किस चीज के पीछे, सिर्फ 72 हूरे वर्जिन्स के लिए, यानी पूरी जिंदगी आपकी जो रिलीजन है उसने आपको सेक्स के पीछे भगाया, तो मरने के बाद भी आप उसी के पीछे भाग रहे हो। ये कॉन्सेप्ट जब मुझे पता चला था, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर, यानी अब लोगों को ज्यादा पता चल गया, मगर मुझको ये बात मुसलमान होते हुए बहुत ऐसी बात जाके पता चली थी। आई थिंक मैंने इस्लाम छोड़ दिया था उसके बाद मुझे पता चली, काफी सारी चीजें तो इस्लाम छोड़ने के बाद में पता चली, इस्लाम तो मैंने किसी और वजह से छोड़ा, राइट। मगर यही फैक्ट मैं अपनी माँ से ही कहती, यानी मरने के बाद भी इनके दिमाग में टांगों के बीच की चीज चढ़ी हुई है, यानी कौन से, कहां से आते हैं लोग, ये किसका कॉन्सेप्ट है, यानी इतने थोड़े हुए लोग हो तुम लोग, इतने डेस्परेट लोग हो, यानी सारी जिंदगी तुम्हारे दिमाग पे सेक्स चढ़ा हुआ, तुम मरने के बाद भी तेरे को वही चाहिए। इट्स जस्ट
आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. मैं मुझे तो ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं. मुझको ऐसे मर्द जहर लगते हैं जो हर वक्त जो है औरत को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं और जो है एक ही चीज सोच रहे होते हैं. आई नो कि बहुत सारे मर्द, ज्यादातर मर्द ही एक ही चीज सोच रहे होते हैं, मगर बहुत सारे मर्द अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं. ज्यादातर लोग जो है ना, मर्द जो है दुनिया भर में सिविलाइज कंट्रीज में ना, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, मगर ये पागल के बच्चे जो है ये जा जाकर ऐसी चीज के पीछे जो इनको पता भी नहीं है कि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अपने आप को फाड़ लेते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कुछ हूरे हूरे दिखाएंगे, मगर वो हूरे हूरे तो कुछ नहीं है इसमें. इसमें ये दिखाया गया है कि वो हूरों के पीछे लोगों ने क्या तबाही की है, और ये जो सारे टेररिस्ट आपको दिख रहे हैं, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस चीज के पीछे है? ऑल बिकॉज ऑफ 72 हूरे, और वो हूरे भी बड़ी अनछुई भी होंगी, यानी चाहिए भी इनको वर्जिन्स है. छोटी छोटी होंगी, सारी यंग होंगी, और पता नहीं कितने फीट की हूर होगी, तो उसका गूदा तक आपको दिखेगा, जहां उसके कपड़े चेंज होंगे, उसका मेकअप भी चेंज होगा. ओ भाई, ये टेक्नोलॉजी मुझे आज ला दो, मैं कपड़े चेंज करूं, मेरा मेकअप चेंज हो जाए, मैं दिन में पता कितने वीडियोस बना लूं, ये टेक्नोलॉजी आज की हो जाए. कोई इन्वेंट करो ना ये चीज प्लीज. इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हो गई है, कोई एक कोई मशीन मशीन इन्वेंट करो ना, जब मैं मुंह डालू यूं करके मेरा मेकअप ऑटोमेटिकली हो जाए, 1 घंटा बजेगा मेरा, ठीक है? तो प्लीज आप ये कोई इन्वेंट करके मेरे लिए लेकर आओ. सो एनी हाउ, ये जो आपको 72 हूरों का वो दिखाया जाता है ना, मुझे लगता है जो तारिक जमील साहब है ना, इनको रात को वेड ड्रीम्स जो आते हैं ना, और उसमें वो वेड ड्रीम्स में ये वो नॉर्वे की और स्वीडन की वो औरतें देख रहे होते हैं, लंबी जो होती है, इतनी लंबी गोरियान, नीली नीली आंखें, तो ब्लॉन्ड हेयर, तो वो सुबह आते हैं, गीला होता है उनका नीचे से पजामा, और वो आकर मंबर पे उसी गंदे गीले पजामे के साथ आके वहां बैठ कर ना डिस्क्राइब करते हैं अपना वेट ड्रीम. और ये सारे पागल के पुत्र जो बैठे हैं वहां पर, ये चले आते हैं अपने आप को बम से फाड़ने के लिए 72 हूरों के पीछे. इट इज जस्ट द मोस्ट रिडिकुलस थिंग आज के जमाने में, 2023 में, अगर कोई बैठ के इस चीज पे बात करे, यानी आप सबसे क्या बोलूं यार, कोई वर्ड भी नहीं है. इससे बेहतर वीडियो बनाने से बेहतर ये था कि अपना सर जाए कि ना कहीं फाड़ लेती दीवार पे, इट वुड हैव बीन बेटर. बट एनीवेज गाइस, मुझको आप ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, और आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसी मूवीज बननी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है इस मूवी के पीछे काफी कंट्रोवर्सी हो रही है. बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ऑब्वियसली हमारी जो ऑब्वियसली जो हमारी पीसफुल कम्युनिटी है, उसने इस पे शोर मचाया है. वो बहुत शोर मचा रहे हैं. पहले उन्होंने कश्मीर फाइल्स पे शोर मचाया, फिर केरला स्टोरीज पे शोर मचाया, अब ये 72 हूर्स पे मचा रहे हैं शोर, और इसी तरह की भी 2-3 और मूवीज भी आ रही हैं. ओ भाई, मेरे को कोई कास्ट कर लो मूवी में, मेरे को इंडिया बुला लो, मैं यहाँ बैठी हूँ, इतनी खूबसूरत हूर वेस्ट हो रही है मेरी जवानी यहाँ पर, खूबसूरती, आप मुझको बुलाओ, देखो क्या होगा, पाकिस्तानी लड़की हिंदुत्व वालों के साथ काम कर रही है. वैसे भी मैं नाम तो मैं हो ही गई हूँ, आरएसएस के लिए काम कर रही हूँ, टुन्नी मेरा नाम वैसे ही रख दिया है. तो भैया बदनाम अब मैं हो ही गई हूँ, तो अब काम भी कर लूँ ना, खाओ खाए मैं बदनाम ही हो रही हूँ. अब मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरा पूरी हद तक जाऊँ, पूरी हद तक जाएंगे और होगा. अच्छा, जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी तो मैं ढूंढ रही थी कि भाई ये वो कौन है जिन्होंने जो है मूवी जो बना रहे हैं, उनका नाम है अशोक पंडित. उनको मैंने ट्विटर पे फॉलो भी किया और उनको मैंने उस दिन कॉमेंट भी किया था. तो अभी मैं उनके ट्विटर अकाउंट को ढूंढ रही थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करके आपको दिखाती हूँ कि उनके ट्विटर के साथ क्या किया गया है, अब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आई डोंट नो. मगर ये बस मुझे अभी अभी जो है ये दिखा है. वीडियो बनाने से पहले जब मैं ये सर्च कर रही थी कि मूवी किसने बनाई है, उनको मैंने ट्विटर पर फॉलो किया हुआ था, अशोक पंडित की ये मूवी है, तो मैं उनका नाम ढूंढने के लिए निकली. मैंने कहा मैं जाकर जो है देखूं ये उनके ट्विटर पे क्या हो रहा है, व्हाटएवर आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो जब मैं उनके ट्विटर पे गई हूँ तो ये देखने को मिल रहा है हमको ट्विटर पे ये दिख रहा है, अकाउंट सस्पेंडेड. अब ये जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, इट इज टुडे दी 13th of June, और आई डोंट नो कब से इनका ये अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ है या क्यों हुआ है. अगर आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है. इलॉन मस्क जी, हम तो समझे थे कि अब आप आ गए हो तो कुछ ना कुछ जो है बेहतर ही होगा ट्विटर का, मगर मुझे तो नहीं लग रहा, आई डोंट सी इट. मेरे मेरे मामले में मेरा तो ट्विटर अकाउंट वापस आ गया था, तो आई डोंट नो, शायद इनका भी अकाउंट वापस आ जाए. आई डोंट नो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस पे, तो आई कैंट से एनीथिंग. आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है.
एनी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप मुझे अग्री करते हैं, क्या डिसएग्री करते हैं, और नीचे जरूर लिखना कि आप चाहते हो इस मूवी में मुझको देखना किसी भी मूवी में, तो टैग करो, हैशटैग लगाओ ट्विटर पे और वायरल करो ना यार, आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे ज्यादातर वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है और आजकल आरएसएस वाले हिंदुत्व वाले मेरे को पेमेंट कर नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से अब आप जो है ना यूट्यूब पेट्रियन और ओनलीफैंस की मेंबरशिप ले सकते हैं, वरना यहाँ पर सुपर चैट का एक आपको बटन दिखेगा और यहाँ नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है जिसको क्लिक करके आप डोनेशन भेज सकते हैं। उसके अलावा पेपैल, यूपीआई और सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चले गाइस, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।